हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल से आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करते हैं, या अपने दोस्त यार को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या उसके उनके पास शेयर कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपको गूगल में, एक गूगल है, एक क्रोम ब्राउज़र है, तो गूगल से सर्च करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा। सबसे अच्छा है कि क्रोम ब्राउज़र आप नहीं होगा आपके मोबाइल में तो डाउनलोड कर लीजिएगा क्रोम ब्राउज़र प्ले स्टोर से, ठीक है। होगा तो क्रोम ब्राउज़र में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपको टाइप करना है यू। देखिए जैसे हम यू लिखे हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया UIDAI.gov.in, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, जहाँ पे कमेंट करते हैं वहाँ पे भी दिए हैं। इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाइएगा, ठीक है। तो आप इसको टाइप करके सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो उस लिंक से विजिट कर लीजिएगा। चलिए हम इसको सर्च करते हैं। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको ऊपर लेके जाना है। जैसे ऊपर लेके आएंगे, देखिए यहाँ पे गेट आधार, इसके नीचे रहेगा डाउनलोड आधार, आपको डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आ गया डाउनलोड करने का। मगर देखिए आपको तीन तरीका है जो अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते। एक है आधार नंबर, जो आधार कार्ड के ऊपर का नंबर होता है ना 12 डिजिट का, वो है इनरोलमेंट आईडी। अभी ये क्या है, जैसे कि जब आप आधार कार्ड बनवाए होंगे या उसको सुधार करवाए होंगे, ठीक है, तो उसमें एक आईडी रहता है, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे ये बोलेगा कि उसका 14 डिजिट का वो डालना पड़ेगा, ठीक है, तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें उसमें जब स्लिप मिलता है ना, स्लिप, उसमें डेट टाइम और सेकेंड रहता है, वो भी डालना पड़ता है। जिसे हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, इसे डाल दिए, ठीक है, इसे डाल दिए। उसके बाद जो डेट टाइम है ना, आपको इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो कुछ भी क्लिक कीजिए ना, उसके बाद जितने तारीख को आप सुधार करवाए थे उस पर टाइम डेट और समय लिखा होगा यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करके, उसके बाद एक कैप्चा है ना, इसमें डाल के सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन आता है वर्चुअल आईडी क्या है, वो 16 डिजिट का है। तो जब पहले आधार कार्ड आता था तो उसमें 12 डिजिट का नंबर आता था, तो पर 12 डिजिट के नंबर के नीचे भी एक वर्चुअल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं नया आधार कार्ड होगा तो उसमें देखिएगा 16 डिजिट का नंबर भी लिखा रहेगा आधार कार्ड के नीचे, तो उसमें डालना है इस कैप्चर को, इसको फिल करके सेंड पर क्लिक करना है। चलिए हम आधार कार्ड नंबर डाल के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आधार नंबर, इस पर क्लिक करना है। अब हम इसमें आधार कार्ड नंबर अपना डाल देंगे, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो कैप्चा है ना, इसमें मैं फिल कर देता हूँ और यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे सेंड OTP पर क्लिक किया, हमारे पास 61 डिजिट का 1 टाइम पासवर्ड आएगा, देखिए आ गया, वो हम डाल लेते हैं। और यही है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं है तो आप नज़दीकी कहीं भी आप जाके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा लीजिए। यहाँ पे आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका आधार कार्ड जो पहले आया था वो कितने दिन में डिलीवर्ड हो गया था, ठीक है, तो सब छोड़ देना है, कोई भी आपका मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ पर नोट रिसीट, मतलब यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके में मिस्टेक होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर से मैं शुरू में दिखा दूँ, यहाँ पे OTP फिल कर दिया हूँ, और यहाँ पे नो, यहाँ पे नोट रिसीप्ट, और यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर दिए हैं, अभी हमारा डाउनलोड होगा। तो देखिए डाउनलोड हो गया, और यहाँ पे हम व्यू पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा। चलिए डाउनलोड भी हो गया, हम व्यू पर क्लिक करते हैं, देखिए वे आ गया। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, ये पासवर्ड। और ये मैं बता दूं कि यहाँ पे नहीं आता ना, तो आप अपने माई प्रोफाइल में चले जाइएगा, वहाँ पे डाउनलोड में जाइएगा तो ये लिखा रहेगा, ठीक है, ई आधार वाला, ठीक है। उसमें आपको जब क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड कैसे रहेगा, जैसे मेरा नाम एग्जाम्पल एक बात बताता हूँ, मेरा नाम राज कुमार है, ठीक है, तो RAJ राज हुआ और कुमार, तो कुमार का बस आगे का SK लिखूँगा, क्योंकि 4 डिजिट बड़े लेटर में लिखना, मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, 4 डिजिट। उसके बाद जो आपका जन्म तिथि है, उसका कौन से ईयर का है, तो हम 1995 का हैं, तो हम लिख देंगे 1995। तो आप जिस भी सन के होंगे वो आपको डाल देना है। चलिए यहाँ पर मैं एक डेमो दिखा दिया हूँ, ठीक है, आप जिस भी सन के होंगे, जैसे 96 हुआ 95 हुआ 94 हुआ, ठीक है, आपको डेट और महीने नहीं लिखना है, बस सन डालना है, ठीक है। चलिए हम डाल के हम ओपन पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हम ओपन पर क्लिक किए हैं,
ये हमारा आधार कार्ड आ गया है। चलिए इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं। चलिए मैं जूम कर दिया हूँ और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ अपना हाइड कर दिया हूँ, ठीक है, अपना कुछ यहाँ पे हाइड करके रखा हूँ। देखिए अब जब नया आधार कार्ड आ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे एक भी आईडी नंबर भी आ रहा है, ठीक है। पहले के आधार कार्ड में नंबर था, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर हम हाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है। जब आपका आधार कार्ड आएगा ना, तो लास्ट का 4 डिजिट ही दिखाएगा लास्ट में, ठीक है, और 8 डिजिट हाइड कर दिया जाएगा। और इससे ये रहेगा कि आपकी प्राइवेसी जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं होगी। और ये नहीं है कि ये नंबर कोई जान जाएगा। अब ये नया आधार कार्ड में ये सिस्टम आ रहा है, ठीक है, तो आप डाउनलोड उससे कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, अगर मैं आपको शेयर करना है तो ये 3 डॉट पर क्लिक करके आप सेंड फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। तो जैसे व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिनके पास भी आपको ये थी भेजना है वो भेज सकते हैं, मगर ये कि आधार कार्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं दोस्त यार को अगर मैं चेक कर रहे हैं तो उनके पास तो भेजना ज़रूरी है। तो जब भेजेंगे ना तो उनसे भी वो पासवर्ड ही मांगेगा, जब वो सामने वाला क्लिक करेगा तो उनसे पासवर्ड मांगेगा। तो जो उनका नाम है और जो जिस सन में पैदा हुए थे उनका बता दीजिएगा कि ये है, आप डाल के विजिट हो जाइए तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद है और प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई मन में शंका होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और मोबाइल नंबर चेंज कैसे करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और इसमें अपना जो नाम है, एड्रेस है, उसे सुधार उधार कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।